द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एम इंटू एम प्लस थ्री आर। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज हमें बतानी है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो एक मेथड है कि हम ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दें, सीधे एक्स की जगह एम पुट कर दिया, यदि ये जीरो हो जाता है तो एम इसका एक जीरोज होगा। तो एक तो ये वाला मेथड है, एक डायरेक्ट ही हम इसके जीरोज निकाल लें, जैसे कि अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एम इंटू एम प्लस थ्री। तो इसको हम लोग कर लेते हैं जीरो के इक्वल और इसके फैक्टर करके उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन है, वन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एम एम प्लस थ्री से, तो ये ही मिलेगा। यानी ऐसे टू नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो ये मिले हमें, और प्लस माइनस करने पर माइनस का थ्री मिले। तो ऐसा कब होगा, जब हम एक फैक्टर एम ले लेते हैं और दूसरे वाला हम लोग लेंगे माइनस एम प्लस थ्री, क्योंकि इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ब्रैकेट सॉल्व करने पर ये माइनस एम माइनस थ्री हो जाएगा। तो माइनस एम से एम कैंसिल, माइनस का थ्री बचेगा, और मल्टीप्लाई करने पर ये हमें वापस से मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टर्स कर लेंगे। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, फैक्टर हमारे पास हो गया एम माइनस एम प्लस थ्री इंटू में एक्स। इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस थ्री एक्स ही बचेगा। तो इसकी जगह पे हमने ये टर्म इसको स्प्लिट कर लिया। फिर आगे है माइनस एम एम प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस एक्स को एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम एक्स माइनस, ये हमारे पास एम प्लस थ्री है मल्टीप्लाई में एक्स, तो एक्स इससे भी मल्टीप्लाई हो गया और इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, माइनस एम और एम प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर हमारे पास एक्स कॉमन आ जाएगा, तो इधर बचेगा एक्स प्लस इधर हमारे पास रह गया एम। अब इन टू टर्म्स की बात करें तो एम प्लस थ्री इसमें भी है, एम प्लस थ्री इसमें भी है, साथ में माइनस भी, दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस एम प्लस थ्री को जब हम लोगों ने कॉमन लिया तो हमारे पास इधर क्या रह गया, एक्स। जब भी माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो इस माइनस की जगह क्या हो जाएगा, अब हमारे पास हो जाएगा प्लस, और एम प्लस थ्री इधर से कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एम। तो ये हमारे पास कॉमन आ गया इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ एक्स प्लस एम, एक्स प्लस एम सेम टर्म कॉमन है, तो एक्स प्लस एम को हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं एक्स प्लस एम। इसको हमने इधर से भी कॉमन ले लिया तो इधर बचा एक्स माइनस, यहाँ से कॉमन लेंगे तो इधर क्या बच गया, एम प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो एक तो हमारे पास ये वाला फैक्टर है, एक ये वाला फैक्टर है, और दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है। तो एक्स प्लस एम को इक्वल टू जीरो पुट कर लेंगे और इधर एक्स माइनस एम प्लस थ्री इक्वल टू जीरो पुट कर लेंगे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस एम, प्लस एम है ट्रांसपोज करने पर माइनस एम, तो एक्स की एक वैल्यू तो ये आ गई हमारे पास। और यहाँ से एक्स इक्वल टू ये पूरा ही इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो एम प्लस थ्री, ये नेगेटिव था तो इधर आने पर पॉजिटिव हो गया। तो ये इसके टू जीरोज होंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही ही है, माइनस एम एम प्लस थ्री। तो उम्मीद आप लोगों को इस वाले मेथड से आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, या फिर आप लोग वैल्यू पुट कर लें, माइनस एम एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे पूरा जीरो हो जाएगा, एम प्लस थ्री ये भी एक्स की जगह वैल्यू पुट करें तो ये जीरो के इक्वल होगा। इस तरीके से वैल्यू पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं।